एक युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर हाथ की उंगलियों के नाखून उखाड़ने का मामला सामने आया है। कार्तिक चौक में रहने वाले युवक को रामघाट पर पंडिताई करने वाले युवक को घर ले जाकर हाथ के नाखून पिंचिस से उखाड़ दिए, वहीं मारपीट भी की गई। जीवाजीगंज थाने में युवक ने मारपीट और अन्य धारा में प्रकरण दर्ज करवाया। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार है। उज्जैन के कार्तिक चौक में रहने वाले नीरज सेन के साथ में नाखून और मारपीट की घटना 5 अगस्त की दोपहर रामघाट पर पंडिताई करने वाले चंद्रशेखर द्विवेदी पाल द्वारा की गई। पीड़ित नीरज ने बताया कि 5 अगस्त को दोपहर के समय रामघाट पर पंडिताई करने वाला चंद्रशेखर द्विवेदी अपने साथ बाइक से घर लेकर आया था। घर पर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर बेहोशी की दवाई पिलाई, इसके बाद इनके बीच मारपीट शुरू हो गई। जीवाजीगंज पुलिस ने 3 दिन पहले मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन अब मामले में तांत्रिक क्रिया की बात सामने आई है। नाखून उखाड़ने की घटना कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया करने के लिए ही घटित हो सकती है। क्या मामला है? ये थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कुछ लोग जो है बैठ के पहले उन्होंने कुछ पार्टी वार्टी मनाई, उसके बाद में कुछ उनके बीच में आपस में कोई बातचीत हुई, जिसके बाद में उसके नाखून खींच लिए। इसमें थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। घटना ये 5 तारीख की है। वो मैं जा रहा था बिल भरने, तो वो चंदूगुरु मिले रास्ते में मेरे को, तो उनने बोला कि चलो मेरे घर छोड़ दे। वो घर छोड़ा उनको, तो उनने कहा चल रुक जाए 2 मिनट, बैठ काम है। उनने फिर मेरे को बिठा दिया और फिर बैठा दिया उन्होंने, फिर उनने कहा रुक जाने, फिर उसमें कुछ बैठा के नहीं, फिर कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया ने, फिर मेरे को तो कुछ होश नहीं था। फिर उन मारपीट करी उनने मेरे साथ और फिर डरा दिया उनने मेरे को, डरा धमका के उनने ज़बरदस्ती मारपीट भी करी मेरे साथ। ये क्या नाखून निकाल दी? नाखून ये सब, ये पूरा चेहरे पर नाखून है। नाखून निकाले बता पिंचेस, ये ये भी हाथ के नाखून भी निकाल लिए। काय से निकाल दिए नाखून? लायर से क्या पिंचेस से काय से निकाले? वो पर्स में पैसे भी थे, पैसे भी क्या मालूम क्या हुआ, पैसे भी थे पर्स में भी, पैसे का भी नहीं पता चला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तार के बाद ही घटना का खुलासा हो पाएगा कि आखिर उसने हाथों के नाखून उखाड़ कर क्या किया। उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।